हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन टोडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी साइटोकाइनिस ऑफ सेल साइकिल और सेल डिविजन तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में माइटोसिस के सारे फेजेस जो कैरियोकाइनेसिस के अंदर आते हैं जैसे कि प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड एंटीलोफेज को डिस्कस कर लिया है तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका बेस तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा ना तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में विज़िट कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारी वीडियोस के आ, सारी वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर वाइज ठीक है तो आप वहाँ से सारा कंटेंट देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है एंड साइटोकाइनेसिस होता कब है और होता क्यों है ठीक है सो बेसिकली हमने अभी तक क्या देखा है कि जब भी कोई सेल सेल डिवीजन में एंटर करता है डिवाइड करने के लिए आता है तो पहले वो किस में जाएगा कैरियोकाइनेसिस में ठीक है पहले वो जब एम फेज में एंटर करेगा वेन एवर एनी सेल एंटर्स इनटू एम फेज वो पहले कैरियोकाइनेसिस करता है मतलब अपना न्यूक्लियस को डिवाइड करता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है आफ्टर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस देर इज नीड फॉर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑल्सो एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस ठीक है तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के डिवीजन को ही साइटोकाइनेसिस बोला जाता है राइट right? तो यहाँ पर क्या हुआ पहले न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बन चुके हैं सेल के अंदर अब क्योंकि आगे डॉटर सेल्स बनाने हैं तो डॉटर सेल में हमने दो न्यूक्लियस तो बना दिए उनके लिए बट अब हमें क्या करना है साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना है सो दैट हाफ ऑफ जो हाफ साइटोप्लाज्म है वो एक डॉटर सेल के पास चला जाए और दूसरा दूसरे डॉटर सेल के पास चला जाए ठीक है तो उसके लिए साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना पड़ेगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस राइट सो यू हैव टू रिमेंबर साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म and this phase this is very very important point this phase marks the end of cell division marks the end of cell division जैसे ही साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं क्या चीज कि सेल डिवीजन एंड होने को है ठीक है ये एंड होने वाला है कई बार किसी किसी जगह पे लिखा होता है कि टीलो फेज इज द एंड फेज ऑफ सेल डिवीजन नो टीलो फेज इज नॉट द एंड फेज ऑफ सेल डिवीजन टीलो फेज इज द एंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस हमेशा पहले होती है और कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस होती है है ना तो अल्टीमेटली लास्ट और एंड स्टेज कौन सा होगा साइटोकाइनेसिस होगा ठीक है नेक्स्ट देखिए इसमें हम ये लिखेंगे कि जो कैरियोकाइनेसिस है उसके बाद न्यूक्लियस तो दो बन चुके हैं बट हमें डॉटर सेल में भेजना है इसीलिए साइटोकाइनेसिस की जरूरत होती है so, इसको हम पे लिख लेते हैं, कैरियोकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, द साइटोप्लाज्म ऑफ पेरेंट सेल Of parent cell divide into two daughter cells so that two daughter cells, yes, yeah, simply you can see, so that daughter cells can have. देयर ओन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ठीक है ताकि डॉटर सेल का अपना न्यूक्लियस हो और साइटोप्लाजमा हो नेक्स्ट इज़ कि जो भी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं साइटोप्लाज्म में जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज होती है उनको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बिटवीन बोथ दी डॉटर सेल्स ठीक है तो जो साइटोकाइनेसिस होती है वैसे तो वो दो तरह की हो सकती है कभी कभार इक्वल कभी कभार अनइक्वल ठीक है मतलब अनइक्वल डिवीजन हो गया तो उसकी वजह से किसी डॉटर सेल के पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म चला गया किसी के पास कम चला गया बट जनरली जो साइटोकाइनेसिस होती है सेल डिवीजन में दैट इज इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ सेल ऑर्गेनलीज इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म विल गो इन Both the daughter cells, right? So, next point is the cell organelles present in cytoplasm, present in the cytoplasm, also distributes in two daughter cells. इन टू डॉटर सेल्स ठीक है जो भी ऑर्गेनली में हैं वो भी दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी नाउ अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताना चाहती हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभार क्या होता है इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनिस तो हो जाती है बट साइटोकाइनिस नहीं हो पाती है ठीक है तो उस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियस तो बहुत सारे बनते जा रहे हैं क्योंकि कैरोइनासिस हो रही है तो न्यूक्लियस का तो प्रॉपर डिवीजन चल रहा है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर पा रहा साइटोकाइनोसिस नहीं हो पा रही तो वो जो न्यूक्लियस बने हैं डिवाइड हो हो के वो सारे एक ही साइटोप्लाज्म में रह जाते हैं और उसकी वजह से अराइज़ होती है मल्टी कंडीशन ठीक है सो वेन कैरियोकाइनिसज इज़ नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनिस तो उस केस में मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन अराइज़ होती है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो आपको कई सारे चैप्टर्स में काम आएगी ये चीज़ बहुत ज़्यादा जगह पे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन वॉट हैपन वेन इज देयर बट नोट साइटोकाइनिस तो कौन सी कंडीशन अराइज़ होगी ठीक है तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन सम ऑर्गेनिजम्स Karyokinesis is not followed by cytokinesis. Okay, so karyokinesis is there, but cytokinesis does not takes place. Right, that is division of nucleus occurs. बट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज डज नॉट अकर ठीक है साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाया दिस विल लीड टू इसकी वजह से क्या होगा दिस विल लीड टू मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ठीक है इसकी वजह से क्या होगा मल्टी कंडीशन हो जाएगी एंड मल्टी कंडीशंस के लिए अलग अलग टर्म्स हैं लाइक मल्टी कंडीशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स और फंजय में उनके लिए टर्म्स अलग अलग है ठीक है तो अगर मल्टी कंडीशन एनिमल में होती है दैट कंडीशन इज सेंसेशियम। उस कंडीशन को बोलते हैं सेंसेशियम। एंड इफ मल्टी कंडीशन अकर्स इन प्लांट्स और इन फंजाई दैट कंडीशन इज नोन एज सिनोसाइटिक ठीक है सो सेंसेशियम इज द टर्म फॉर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन इन एनिमल्स And सीनोसाइटिक term is for multinucleate condition in plants and fungi. theek ठीक है तो mein में इसको बोलते हैं and animals mein में बोलते हैं to तो यहाँ पर हुआ क्या न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहे हैं कैरोसिस तो हो गई बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया तो वो सारे डिवाइडेड न्यूक्लियस एक ही सिंगल साइटोप्लाज में रह गए एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन अराइज हो गई राइट right? नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट्स में और एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस किस तरह से होती है वट इज द डिफरेंस बिटवीन पैटर्न ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स राइट सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स ठीक है डिफरेंस के फॉर्म में देखेंगे एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है तो सबसे पहली चीज कि प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस का मैथड है दैट इज सेल प्लेट मैथड सो प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस होगी बाय सेल प्लेट मैथड दिस इज द मैथड ओके एंड इन एनिमल सेल द मैथड फॉर साइटोकाइनेसिस इज सेल सेल्फरो मैथड सेल्फर मैथड ठीक है नेक्स्ट देखिए सेल प्लेट मेथड क्या होता है सेल सेल्फरो मेथड क्या होता है ये हम डायग्राम के फॉर्म में आगे डिस्कस करेंगे बट उससे पहले हम इनके बीच में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो लिख लेते हैं ठीक है सो सेल प्लेट की जो फॉर्मेशन होती है दैट स्टार्ट्स एट द सेंटर ठीक है सेल के बिल्कुल सेंटर में शुरू होगी एंड इट ग्रोस आउटवर्डली बाहर की तरफ जाएगी लेटरल वॉल्स की तरफ जाएगी ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट एट सेंटर स्टार्ट एट सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड और वो ग्रो करके कहाँ जाएगी आउटवर्ड टूवर्ड्स द लेटरल वॉल्स टूवर्ड्स द लेटरल वॉल्स ठीक है तो सेल्फ्लेट बनती है सेंटर में एंड इट विल ग्रो टूवर्ड्स दी आउटर साइड बाहर की तरफ जाएगी देअर बाय डिवाइडिंग द सेल इस तरह से वो क्या कर देगी डिवाइडिंग द सेल इंटू टू सेल्स दो सेल्स में उसको डिवाइड कर देगी ठीक है सेंटर से बनना शुरू हुई और बाहर की तरफ गई और उसने क्या किया सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सो दिस अरेंजमेंट दिस मोड जब सेंटर से पेरीफ्री की तरफ जाती है कोई भी चीज़ दैट इज़ डोन एज सेंट्रीफ्यूगल ठीक है डायरेक्शन क्या होगा ट्रीफ्यूगल दैट इज फ्रॉम सेंटर टू पेरीफ्री सेंटर से पेरीफ्री में जा रहा है ना तो सेंट्रीफ्यूगल ठीक है एनिमल्स के अंदर क्या होता है जो फरोज होती है वो फरोज स्टार्ट होती है एट द पेरीफ्री एंड इट मूव्स इनवर्डली ठीक है जिसकी वजह से सेल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है तो बिल्कुल ऑपोजिट है यहां पर सेंटर से शुरू होकर बाहर गई है और यहां पर बाहर से शुरू होकर सेंटर में आ रही है जिसकी वजह से सेल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ठीक तो है तो नेक्स्ट देखिए फरो स्टार्ट एट दी पेरीफ्री एंड देन मूव इन और इनवर्डली दे आर बाय डिंग दल इंटू टू हाफ दो हाफ में सेल को डिवाइड कर देगी ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा डायरेक्शन ये यहाँ पे जैसे सेंट्री फ्यूगल था यहाँ पर क्या बन जाएगा सेंट्री पिटल जब पेरी फ्री से सेंटर की तरफ आती है ठीक है जब पेरी फ्री से सेंटर की तरफ आएगी तो इट विल बिकम सेंट्री पिटल सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट दैट इज फ्रॉम पेरीफ्री टू सेंटर ठीक है सेंटर की तरफ आएगी पेरीफ्री टू सेंटर ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेल प्लेट है प्लेट इज फॉर्मड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ठीक है और जो एनिमल्स में सेल सेल फोरो बनती है दैट इज फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट ठीक है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज फोर्थ पॉइंट इज बाई द एक्टिविटी ऑफ इसमें किसकी एक्टिविटी है माइक्रो ट्यूब्यूल माइक्रो ट्यूब्यूल हेल्प करता है जो कि खुद टूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है तो कभी कभार आपको ये भी पूछ सकते हैं कि सेल्फलेट बनाने में कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है तो केस में आपको याद रखना है हेल्प प्लेट बनाने में माइक्रोटिब्यूल का रोल है और माइक्रोटिब्यूल खुद किससे बने होते हैं प्रोटीन से तो ट्यूबुलिन प्रोटीन इज आंसर ठीक है नेक्स्ट आप देखो यहां पर एनिमल्स के अंदर जो सेल फरो बनती है दैट इज बाय द एक्टिविटी ऑफ फिलामेंट बाय दी एक्टिविटी ऑफ फिलामेंट प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है जो कहाँ प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं बाकी और क्या डिफरेंसेस हैं सो इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स सो प्लांट्स में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन है ये कौन करवा रहा है किसकी वजह से बन रही है तो प्लांट्स में जो आपने सेल प्लेट फॉर्मेशन देखी है दैट इज फॉर्म ड्यू टू गोल्जी बॉडी ठीक है गोल्जी बॉडी कुछ फ्रेग्मोप्लास्ट प्लास्ट सिक्रिएट करती है जो कि सेल प्लेट बनवाने में हेल्प करते हैं राइट सो नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडीज सिक्रेट क्या सिक्रिएट करेंगी फ्रेगमो प्लास्ट गोल्जी बॉडीज सिक्रेट फ्रेग्मोप्लास्ट एंड व्हाट इज फ्रेग्मोप्लास्ट फ्रेग्मोप्लास्ट होता है की वेसिकल्स उनके साथ कुछ स्पिंडल स्पिंडल फाइबर सम फाइबर्स देखो इससे जस्ट पहले साइटोकाइनेसिस से जस्ट पहले टीलो आया था तो टीलो फेज में आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर सारे डिजोल्व हो जाते हैं डिजोल्यूट हो जाते हैं ठीक है ब्रेक हो जाते हैं तो वो छोटे मोटे जो स्पिंडल फाइबर डिजोल्व होने के बाद साइटो का साइटोप्लाज में बचे रहेंगे वही इन गोल्जियन वेसिकल के साथ मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट बना लेंगे ठीक तो है तो गोल्जियन वेसिकल्स हैं गोलजी से आने वाली वेसिकल्स जो टीलो फेज में दोबारा से रीअपियर हो गई थी गोलजी उन्होंने दोबारा से गोल्जी बन गई थी तो वो गोल्जी गोल्जियन वेसिकल्स बना देगी और जैसे ही स्पिंडल फाइबर डिजोल्व होंगे स्पिंडल फाइबर के जो फ्रेगमेंट छोटे छोटे इधर उधर ट्यूबलिन प्रोटीन्स हैं वो मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट बना देगी ठीक है और फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है इट इज सेल वॉल फॉर्मिंग मटीरियल ये सेल वॉल बनाने का मटीरियल है सेल वॉल फॉर्मिंग मटीरियल ठीक है जबकि इस तरह का कोई फ्रेग्मोप्लास्ट एनिमल्स में नहीं होता तो हम सिंपली लिख सकते हैं फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो एबसेंट है इज एबसेंट इन एनिमल्स ठीक है एनिमल्स के अंदर नहीं मिलेगा राइट तो सेल प्लेट वाला जो मेथड है ये प्लांट्स के अंदर होता है और और जो सेल फरो वाला मेथड है वो एनिमल्स में होता है और आप एक और चीज लिख सकते हो कि कुछ प्रोटेस्ट सम प्रोटेस्ट शो साइटोकाइनेसिस बाय सेल फरो मेथड ठीक है वो भी सेल फरो मेथड से ही साइटोकाइनेसिस शो करते हैं अगर आप कभी भी आगे ये चीज पढ़ो तो आप ध्यान रखना साइटोकाइनेसिस बाय मेथड इज अ फीचर ऑफ एनिमल्स एंड सम ऑफ द ठीक है? अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है तो पहले हम प्लांट्स में देखेंगे डायग्राम किस तरह का है ठीक है तो सबसे पहले देखिए ये है प्लांट सेल ये है इसकी सेल वॉल अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके जस्ट अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक दिस दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम लिखा है मैंने ओके okay. नाउ दो न्यूक्लियस बन चुके हैं क्योंकि इससे जस्ट पहले टीलोफेज आया था टीलो में कैरियोकाइनेसिस हुई थी तो दो न्यूक्लियस बन चुके हैं तो एक न्यूक्लियस है यहाँ और एक न्यूक्लियस है यहाँ क्योंकि प्लांट सेल है तो सेंट्रियोल्स हमें नहीं बनाने हैं सेंट्रियोल्स हम नहीं बनाएंगे ठीक है तो कोई सेंट्रियोल्स नहीं है यहाँ पर इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन मटेरियल होता है ठीक है दोनों ये न्यूक्लियस है दिस इज़ फर्स्ट न्यूक्लियस जो कैरियो से बना था और ये सेकेंड न्यूक्लियस है ठीक है अब सबसे पहले क्या होता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन धीरे धीरे डिज़ोल्व होती जा रही है दो न्यूक्लियस बनने के बाद स्पिंडल फाइबर्स हल्के हल्के डिज़ोल्व हो चुके हैं ठीक है ज़्यादा नहीं बचे हैं तो इस टाइम पे क्या होता है जो फ्रेगमोप्लास्ट हैं गोल्जी की वेसिकल्स वो आकर सेंटर में एक्यूमुलेट होंगी इस तरह से गोल्जियन वेसिकल है और सेंटर में एक्यूमुलेट होने के बाद फिर ये पेरीफ्री की तरफ बढ़ेंगी ठीक है सो दिस इज सेंटर में एक्यूमलेट हुई है और इनके अंदर सेल वॉल बनाने वाला मटेरियल है जो सेल वॉल बनाएगा ये सेंटर में एक्यूमलेट हुई और सेंटर से आप देख सकते हो बाहर की तरफ जा रही है है ना पेरीफ्री की तरफ ये ग्रो कर रही है इसलिए इसको सेंट्री फिगल बोलते थे अरेंजमेंट ठीक है कुछ टाइम के बाद क्या होगा देखो ये सेल वॉल एज इट इज़ है इसको कुछ भी नहीं हुआ सेल वॉल ऐसे ही रहेगी इसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन र न्यूक्लियस ठीक है इसमें न्यूक्लियोलस दिस इज क्रोमैटिन आप देखो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है इनके अंदर मटीरियल है सेल वॉल बनाने वाला ना हो ये सारी की सारी गोलजी की वेसिकल्स जो ये मैंने राउंड बनाई हैं इस तरह से जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर बनाए हैं ये गोल्जी की वेसिकल्स हैं और इनके अंदर मटीरियल है सेल वॉल बनाने वाला ये सारी गोलजिन बेसिकल आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी और इनका जो मटेरियल है वो भी आपस में फ्यूज़ कर जाएगा और एक लेयर बना देगा ठीक है जिसको सेल वॉल बोल देंगे तो यहाँ पर देखो इनके सारों का जो मटेरियल है वो फ्यूज़ कर गया ठीक है ये सारी आपस में फ्यूज़ हुई और इनका मटेरियल फ्यूज़ होकर और उसने बना दिया सेल प्लेट और ये सेल प्लेट बाहर की तरफ पैरी की तरफ ग्रो करेगी ठीक है ये ये वाली सेल वॉल बना देगी और ये यहाँ की सेल वॉल बना देगी तो जो भी इनके अंदर मटेरियल था वो सारा मटेरियल ये सारे फ्यूज़ हो गए आपस में देखो इस तरह से थे ये सारे फ्यूज़ हो गए और इनका सबका मटेरियल भी फ्यूज़ हो गया आपस में और फिर ऐसे सेल प्लेट बन गई ठीक है तो इस तरह से सेल प्लेट बन जाती है और ये सेल प्लेट फिर ग्रो करके बाहर की तरफ जाएगी जिसकी वजह से दो डॉटर सेल बन जाएंगे फाइनली ठीक है दो दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देगी तो एक डॉटर सेल ये और एक डॉटर सेल ये, ये हैं डॉटर सेल्स तो बेसिकली यहां पर गोल्जी का रोल होता है वो फ्रेग्मोप्लास्ट बनाता है और वही आगे सेल प्लेट बनाती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनके दिस इस सेल वॉल और इनके पास है इनका न्यूक्लियस इक्वल अमाउंट में साइटोप्लाज्म चला गया आप देख सकते हो ठीक है क्योंकि प्लांट सेल था तो यहाँ पर हम लोग कोई सेंट्रियॉल्स नहीं दिखाएंगे और ये है क्रोमैटिन ठीक है थीके? तो प्लांट्स के अंदर जो है इस तरह से होती है ये प्लांट्स का डायग्राम है ठीक है प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस इस तरह से होती है ये सेल प्लेट बनी है और सेल प्लेट बाहर की तरफ ग्रो कर रही है आप देख सकते हो पेरिफेरी की तरफ ठीक है अब हम देखते हैं एनिमल सेल में सेलफरो किस तरह से बनती है सो so नेक्स्ट इज डायग्राम एनिमल सेल का उसमें सेल्फरों बनाएंगे ठीक है सो दिस इज एनिमल एन सेल इसमें दो न्यूक्लियस हैं ये इनके न्यूक्लियोलस इनके अंदर मिलेगा क्रोमैटिन क्रोमैटिन के साथ में सेंट्रियोल्स भी मिलेंगे क्योंकि एनिमल सेल है सेंट्रियोल ठीक है ये दो न्यूक्लियस है सेल फरो में क्या होता है अब सेल फरो बनेगी तो सेल फरो में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो होती नहीं है एनिमल सेल में नाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बिगिन टू इन्वेजिनेट अंदर की तरफ ये इन्वेजिनेट करेगी दोनों तरफ से और उसी को सेल्फर बोला जाता है ठीक है so, सो ये क्या है डॉटर न्यूक्लियस एंड दिस इज एंटायर इज साइटोप्लाज्म ठीक है अब क्या होगा फरो बनेगी तो ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होगी इस तरह से ये डॉटर न्यूक्लियस इसके अंदर क्रोमैटिन और सेंट्रियोल साथ में ठीक है सेंट्रियल्स हैं साथ में ये दिस इज सेल्फरो अब ये फरो और ज्यादा डीप होगी ठीक है नाउ दिस फरो विल डीपन फर्दर देख लो और ज्यादा डीप हो गई है ये डॉटर न्यूक्लियस ये न्यूक्लियोलस ठीक है ये हैं सेंट्रियाल्स यहाँ पर और ये सब साइटोप्लाज्म इसी को सेल परो बोलते हैं ये जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हुई है ना इसी इन्वेजिनेशन को हम सेल परो बोलते हैं नाउ इसके बाद क्या होगा दो डॉटर सेल्स भी डिवाइड हो जाएगी ज क्रोमैटिन ये है सेंट्रियॉल सो दिस इज क्रोमैटिन एंड ये है सेंट्रियॉल्स ठीक है और ये है डॉटर सेल्स ठीक है तो इस तरह से फरो का मेथड होता है जिसमें एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस शो करता है तो ये टॉपिक था साइटोकाइनिस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक like और शेयर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं वीडियो को लाइक like भी नहीं करते हैं तो प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक like करिए ज़रूर इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आपको बिल्कुल फ्री नीट रिलेटेड वीडियोज़ मिलती हैं जो टोटली totally नीट के सिलेबस से रिलेटेड हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग